अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हम मौजूद हैं, कहाँ पे मौजूद हैं तौकीर भाई से पूछते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस टाइम हम जो है वो सुस्त में मौजूद हैं। आज जैसा कि 15 अगस्त है और कल थी 14 अगस्त और हमने गाड़ी पे परचम भी लगाया था, क्या ही नज़ारे थे, वीडियो भी बनाई थी और इस होटल में रात हमने स्टे किया था। अभी करेंगे यहाँ पे नाश्ता। फ्रेंड, जैसा कि हम जा रहे हैं खुजराब टॉप, तो जब हम घर से निकले थे ना फादरपुर से, तब कोई ऐसा प्लान नहीं था कि जब वहाँ जाएंगे, तो इसलिए हम कोई प्रिपरेशन नहीं करके आए थे क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है। इधर शॉप पे आए हुए थे हम और मैंने अपने लिए ये वाली जैकेट ली है, आप भी बताइएगा आपको कैसी लगी। और मुजम्मल ने भी अपने लिए जो है ना सेम ही ले ली है तकरीबन, सेम ही है। और मैंने ग्लासेस भी लिए हैं। किधर हैं ग्लासेस यार, क्या कम्बिनेशन बनेगा बाकी। बच गई है बाकी, अभी शूज़ नहीं है मेरे पास, तो सर भी देख रहे हैं कोई और देखते हैं, कोई शूज़ भी ले रहे हैं तो फोर वाला जाना वो गेटअप बन जाएगा, फिर क्या आएंगी कमाल की पिक्चर्स वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ड्रेसिंग हो गई है कंप्लीट और अब इंशाल्लाह जाएंगे और फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, बहुत ही मज़ा आएगा। ग्लासेस भी ले ली हैं, तो मैं आपको मीनू दिखाता हूँ। मुजम्मल ने भी गेटअप जाना वो सेम टू सेम ही कर लिया है, वाइट शूज़ और ये। चलो यार, गिलासें हाँ उठा लिए। चलो लतीफ साहब, सानू पहचान दे। जी जी रखो यार, जल्दी रखो, लगाओ। जी तो टाइम इस वक्त हो गया, आप देख सकते हैं 10:36 और टेम्परेचर 21 है और हम इस वक्त जा रहे हैं खुजराब टॉप की तरफ और सामने आपको ग्लेशियर भी नज़र आ रहे होंगे, टनल्स भी आ रही हैं रास्ते में, बहुत ही कमाल की व्यूज़ हैं। और हमने डेढ़ दो घंटे का सफ़र। सर ये हमने क्यों लिया है? ये खुबानी है। जी जी, जब आप हाइट पर जाते हैं। जी जी, 16,000 के करीब फुट, 16,000 फुट की बुलंदी पे है खुजराब पास, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जी, तो खुबानी बेसिकली इसकी प्रोटेक्शन है, आपका जो सांस जो है ना उससे अच्छी और बाहर रहती है, इसलिए हमने ये खुबानी थोड़ी सी ली और खा भी रहे। और हमने क्या लिया है इसके अलावा? अदरक, अदरक खुबानी आपने सुस्त बॉर्डर से ही ले लेनी है ताकि जब आप रास्ते में जाएं और सांस का मसला हो, अक्सर लोगों को वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। जी, तो ये दो चीज़ें इस्तेमाल करने से फिर ये इस बीमारी से जो है ना बचा जा सकता है, इसकी प्रोटेक्शन है ये। वेलकम टू लैंड ऑफ स्नो लेपर्ड। आगे नजर तो आगे, स्नो लेपर्ड आपको देखना जो है ना जरा थोड़ा सा जोर लगा के देखना पड़ता है क्योंकि उसका कलर जो है ना इन इन चट्टानों की तरह और पत्थरों की तरह पहाड़ों की तरह ही है। ये जी देखें, बिल्कुल खुश्क पहाड़ हैं और उनमें से चश्मे नीचे आ रहे हैं क्योंकि टॉप पे जो है ना वो बर्फ पड़ी हुई है। यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई हुई है और सामने जो आबशार है ना बहुत ही औसम नज़ारा पेश कर रही है, मैं कहता हूँ कि कमाल हो गए सर जी। ये बिल्कुल अंदर से आ रहा है पानी। जब भी आप इधर खुजराब टॉप और गिलगित वाले एरियाज़ में आएँ तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि यूफोन के सिग्नल होते हैं, आप कोशिश करें कि वो वाली सिम लाजमी अपने साथ लेकर आएँ, बाकी जितने भी नेटवर्क हैं उनके तो बिल्कुल सिग्नल ही नहीं होते। और इंटरनेट के लिए यहाँ पे एसकॉम की सिम होती है जो कि इधर के लोगों के लिए ही है, वो उसी पर थोड़ा बहुत चलता है, बाकी वाईफाई के सर्विस अवेलेबल होती है मोस्टली जितने भी होटल्स होते हैं उनके ऊपर। जी तो ये ठहरी है हमारी गाड़ी और यहाँ से जो चाइना का बॉर्डर है वो 52 किलोमीटर है। ये चेक पोस्ट है, यहाँ पे क्या मसला है? यहाँ चेक करते ना गाड़ी, एंट्री होती है गाड़ी की। कोई पैसे भी लिए? हाँ पैसे। कितने पैसे? यहाँ पे 5 बंदूक होते हैं 1500, लेकिन मैं गिलगित का था उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्काउंट के 1200 रुपये हमारे। अच्छा अच्छा जी। तो इन एरियाज में जब भी आप आए हैं नॉर्दर्न एरियाज में, तो यहाँ पे रोड पे ड्राइविंग करते हुए आप ख्याल करें कि यहाँ पे ना अक्सर लैंडस्लाइडिंग होती रहती है,
खास तौर पे जब हम जा रहे हैं खंजराब टॉप, तो यहाँ पे ना छोटे छोटे पत्थर जो है ना वो रोड पर आपको गिरे हुए नज़र आएंगे और उनसे नुकसान हो सकता है, टायर फट सकता है, ख्याल से जो है ना वो ड्राइविंग करनी चाहिए। और सर थोड़ा बताएंगे कि कौन से मंथ्स में नॉर्दर्न एरियाज में ख़ास तौर पर ये खंजराब टॉप और गिलगित वाले एरियाज में आना चाहिए? ये जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त तो बहुत फेवरेट मंथ है जी, लेकिन आप जब भी ट्रैवल करें तो इन दिनों में मौसम जो होता है ना बड़ा मौतदिल होता है जी। अगस्त में ख़ास तौर पर बारिशें इतनी ज़्यादा नहीं होती यहाँ पर, लेकिन जून जुलाई में बारिशें होती हैं, लेकिन फिर भी मौसम जो है ना वो बड़ा आप कह लें फ्रेंडली होता है। तो इस हवाले से जब भी आप सफ़र करें खंजराब पास की तरफ बिलखसूस, और अगर नारायण करगान की तरफ भी आना है जी, इन यही वो सीज़न है, सीज़न डेज हैं जिसमें आप अच्छे तरीके से इन लोगों को जो है ना एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगस्त में वेदर हमेशा यहाँ हमने देखा ये क्लियर ही रहता है। आप लोग अगर आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन बंदा जो है ना वो फिर कंफर्टेबल आई थिंक फील नहीं करेगा, थोड़ी कंडीशन एक्सट्रीम होंगी और बर्फबारी भी होती है तो रोड भी ब्लॉक हो सकती है, रास्ते बंद हो सकते हैं। आजकल भी जी जी मौसम एकदम खराब हो जाए तो बर्फबारी भी शुरू हो जाती है। अच्छा, लेकिन फिर भी ये मौसम जो है ना बहुत अच्छा है अगस्त का। साहब की हो गया जे? मैडम साहब आपके थींदे पैर क्यों? एक तो ऑक्सीजन घट दी गई है। ऑक्सीजन घट दी गई है? अदरक खाऊंदा पया, हले तो मजीद घटती सी। बात अल्लाह दे सुपुर्द है, इथा नाप छुड़या है। तो फ्रेंड्स वाकई इस ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस लेना में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। टेम्परेचर पहुंच चुका है 12 डिग्री पे और एक और ट्रेलर जो है ना वो सामने आ रहा है चाइना की तरफ से। जी तो फाइनली चाइना बॉर्डर पहुंच चुके हैं और यहां से मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूं ज़रा जूम करके। ये जी सामने चाइना बॉर्डर है और ये यहां का व्यू है। मेरी तो वैसे एक्सपेक्टेशन थी बर्फ़ होगी वहां पे ना, लेकिन बर्फ़ ऊपर है उस जगह पे नहीं है। वीडियोस में तो ऐसे ही देखते थे, मौसम की वजह से गाड़ी आगे नहीं जा सकते आप लोग। जी तो काशगर शहर है इनका कोई, ताशगर कुन गुन 130। ये चाइना के सारे सिटीज हैं, सिटीज हैं। और काशगर जो है जिसका इकबाल ने मुझे अपने शेर में जिक्र किया हुआ है। जी जी अभी हम स्टेप स्लो स्टेप लेने चाहिए, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है। बीट कम रखें। जी तो अभी जैसा कि हम मिनहाज वेलफेयर की तरफ से भी आए हुए हैं तो एक जो है ना वो परचम मिनहाज वेलफेयर का है, दूसरा पाकिस्तान का है और बॉर्डर पे पिक्चर्स बनाएंगे। जी तो फ्रेंड्स जैसा कि आज 15 अगस्त है और हम इस वक्त खंजराब टॉप पर आए हुए हैं, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहां पे आने का। यहां पे अगर देखा जाए तो एक इन्होंने चना वाली साइड पे जाना वो बाउंड्री एक बनाई हुई है इन्होंने, और इसके अलावा यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि इन्होंने बॉर्डर है ना जो खारदार तार है वो भी लगी हुई है, और ये जो आपको देख रही है ना बाउंड्री इससे आगे नहीं जाने देते। बाकी मज़ीद यहां पे थोड़ा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होती है, बंदे को सांस चढ़ने लग जाता है, ठंड काफ़ी होती है। ये जैसा कि अगस्त का महीना है तो टेम्परेचर जो है ना वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला गया था, तो हमने ये जो है ना वो रस्ते से सुस्त ये कोट वगैरह परचेज कर लिए थे। बेहतर है बंदा अपनी प्रिपरेशन करके अच्छा फील करता है। जी तो फ्रेंड्स खंजराब टॉप को कहने लगे हैं बाय बाय, यहाँ से जाने लगे हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह थी, आप लोगों को भी आना चाहिए, देखना चाहिए ये चीज़ें, दिल खुश हो जाता है बंदे का देख के यहाँ पे जो व्यूज़ होते हैं और बंदा डिफरेंट एक फील करता है एनवायरनमेंट को। खैबर में आ चुके हैं जी। लतीफ साहब की लेना जी? बीमारियाँ चेक तो करेंगे, नहीं ये भी ताज़ा टूटा हुआ चाहिए।
और ले जाएगा फिर। फ्रेंड्स क्या ही मजे की खुबानी है, ओए हो मजा आ गया। इधर देखे मैचिंग भी हो रही है सर, मैचिंग हो रही है, वो लगी हुई है ऊपर जी। सर मजे की है बहुत मजे। अच्छा खुबानियों के दरख्त होते हैं, मुझे आज पता लगा है। सर पिछले व्लॉग में भी दिखाई थी आपको, वो खुबानी लगी है जी, बिल्कुल पकी हुई है, बहुत मीठी है, मजे की है। आप तो कहा के थक गया होगा। हम भी नहीं थकते, हम भी खाते जाते जब तक शाम नहीं होती। ऐसे करते भाई आन के। क्या नाम है अजहान? आपका नाम क्या है? अरशमान। अरशमान आपके बेटे हैं? भाई के बेटे। भाई के बेटे। लतीफ साहब बड़ी ऐश करन डे जी, दरख्त लाओ तो खुबानी खाओ। खुबानी का जी बाग लगा हुआ है, ये देख सकते हैं तरतीब से पौधे लगे हुए हैं और उस तरफ पहाड़ है। और सर ने कहा कि ये जरा देख के आओ कि क्या लगा हुआ है। मुझे खुद आइडिया नहीं है ये क्या चीज है। ये देखें, ये पता नहीं, अब मुझे तो नहीं समझ आ रही किस चीज क्या है। अगर आपको समझ आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर। की चीज है लतीफ साहब की वा? पता नहीं, मैं देख रहा हूं, आ गया तो सुनाऊंगा। अच्छा फ्रेंड, इस वक्त मौजूद हैं धौल, इस जगह का नाम है, और ये गिलगित से दो घंटे का सफ़र है और बहुत थकावट हो गया। यहाँ पे कोई चीज़ हमने खाई है उसका नाम मुझे नहीं आता। तो मेरे पीछे बहुत ही प्यारा सीन है, पानी नीचे आ रहा है ग्लेशियर्स पिघल के। तो आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।